मैं सिलेक्ट अंदाजी कहना चाहता हूँ महंगाई का कंट्रोल कर ले, नहीं तो आम तेनू कंट्रोल कर ले। नवाए इंसान NI न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। और अब आपको अंदाजा होना चाहिए कि एक हलके की आवाम का देखें, ये रिंग रोड से ले लें और डिफेंस रोड से पीछे तक ये दोराया सड़क है, दोनों सड़कें पैक हैं। ये एक हलके से इतनी आवाम निकल रही है कि जलसा गाह ये यादगार इसी जलसे से भर जाएगी। बाकी लोग तो पूरे पाकिस्तान की सड़कों पे हैं ना। सर, मैं अपनी गाड़ी छोड़ के बाइक पे यहाँ पे पहुँचा हूँ, डेढ़ घंटा मुझे लगा खाने से यहाँ पे आने पे। ये सब आपको प्यार करने वाले हैं, आपके कायद को या ये महंगाई के लिए कुछ लोग निकल आए? ये सारा कुछ मियां हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वजह से है, हम उनके वर्कर हैं। जो कुछ भी होता है इन लोगों की मोहब्बत है, प्यार है, जब भी इनको कॉल देते हैं। दो तीन दिन पहले मेरी बहन गुजरी थी 10 तारीख को, उस तरह उस दिन भी इन्होंने अपनी बहन को मरियम नवाज को बड़ा प्यार दिया और आज भी इसको मन्नत की अंजाम तक पहुंचाने के लिए निकले हैं। नाना साहब, आज तक जितने भी जलसे हुए हैं यादगार हुए हैं। नाना साहब, आज का जो जलसा है, जितने भी जलसे हुए हैं मनारे पाकिस्तान में, तरीकी जलसे हुए आज के जलसे, ये जलसा वो होगा ना, कभी ऐसा हुआ है ना कभी होगा। ये इसको मंत की अंजाम तक न्याजी को घर छोड़ के आएंगे। ये न्याजी आज घर जाने का इसका दिन ठहर गया है। सर, ये पावर शो होगा कि रैली की शक्ल आगे अख्तियार कर सकता है, आपको देख के क्या ये इंशाल्लाह उधर फैसला करेगी हमारी क्या है। हमारा ये जुलूस भी तरीकी है और जलसा भी तरीकी आ गया। नाना साहब, जलसे के बाद अगर आप हुकूमत रहे, आपके मुतालबात ना माने, तो आप क्या लाए हम अख्तियार करेंगे? वो PDM जो फैसला करेगी वही फैसला होगा। नाना साहब, मुस्लिम लीग नून जो है वो इस्तीफे देने के लिए तैयार है, मैं आपका साथ देगी? ये पीपल्स पार्टी का मसला है और PDM का मसला है, यह मेरा मसला नहीं है। मेरा मसला है कि जो पार्टी और PDM काल देगी हम उस पर अमल दरामद करेंगे। आपके ख्याल में आज तक मनारे पाकिस्तान में कितने वर्कर जो है वो इकट्ठे होंगे? लाखों की तादाद में होंगे, लाखों की तादाद। बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब। ये हमारे साथ एक नून लीग के कारकुन मौजूद है जिन्होंने अजीब तरीके से जो अपना हुलिया बनाया हुआ है, उन्होंने अपने गले में जो है वो सब्जियां लटकाई हुई है, गोश्त लटकाया हुआ है, नान लटकाया हुआ है। इनसे बात करते हैं कि इन्होंने ये अपना हुलिया क्यों बनाया है। मैं बिस्मिल्लाह हमारा मेरा निशान लिया है, जो मैं घ्यो है, आटा है, अजगर है। अजगर जो मेरे नवाशे दौर से 10 रुपए का 15 रुपए का पाइया से, अज 1000 रुपए किलो है। आटा जो मेरे नवाशे दौर से मिलता ही 500 का 550 थैला, अज 900 का मिलता पाया। एक घ्यो जो मेरे नवाशे दौर से 100 रुपए किलो मिलता ही, अज 240 रुपए किलो है। चीनी आज 140 रुपए किलो है। ये आपने टमाटर गले में लटकाए हुए हैं, आलू लटकाए हुए हैं, बैंगन, प्याज, आप इमरान खान साहब को ये क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? मैं सिलेक्ट अंदाजी कहना चाहता हूँ महंगाई का कंट्रोल कर ले, नहीं तो आवाम तेनू कंट्रोल कर लेगी। आवाम का सलाम है ना, आवाम का सलाम है। ये ऐसी आवाम का सलाम नहीं, ये आवाम का समुंदर है, समुंदर। ये आप जो है ये हुलिया बना के क्या मियां नवाज शरीफ से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं या महंगाई को शो कर रहे हैं? मैं पूरी आवाम नूं कहना चाहुंदा, मावां भैणां जिन्नियां वी ना, मैं उन्हां कहना चाहुंदा अज ते साहब दा वक्त आ, अज सारिआं मैं कहना चाहुंदा पूरी आवाम नूं वी अज सर मम्मी बी मरियम दा साथ है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बुजुर्ग खवातीन मौजूद है जो मुस्लिम लीग नून के PDM के जलसे में जा रही है, उनसे बात करते हैं कि वो मरियम नवाज के लिए निकली हैं और इमरान खान को क्या पैगाम देना चाहती हैं? मैं इमरान खान को पैगाम ये देना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ इमरान भाग जा, अब शेर नहीं आ गई मैदान में, ठीक है ना। हूँ तेरा रहन दा से कोई हक नहीं बन रहा, कोई हक नहीं। आटा महंगा, चीनी महंगी, लोग गरीब मर गए, की करेगा रह के, समझ आ गई? अम्मा जी, इतनी सर्दी है, आप बुजुर्ग औरत है, नहीं लगती आपको? मैंने, नहीं लगती। मैंने पानी भी नहीं पिया, मैंने खाना भी नहीं खाया। हम 35 साल की पुरानी, अभी डिस्ट्रिक्ट मेंबर हूँ, बहुत पुरानी वर्कर। राणा प्रवीण अख्तर मेरा नाम है और मरियम के लिए निकले लोग, बहुत निकले मरियम के लिए, तुम देख नहीं रहे?
मरियम छा गई है, जिंदाबाद। क्या आपके इस जलसे से हुकूमत जो है वो डिसमिस हो जाएगी? हो जाएगी, हो गई, समझो हो गई, हो गई। अगर इस जलसे के बाद भी हुकूमत नहीं जाती, आपके मुतालबात पूरे नहीं होते, तो आप क्या लाए हमारा? हो गए, समझो हो गए, आज हो गए। हमारा ईमान है, लोग गरीब क्यों निकले घरों से? भूखे मरते निकले ये सड़कों पे, औरतें बच्चे क्यों फिर रहे हैं? इनको खाने को नहीं, पढ़ने को नहीं, पीने को नहीं। बहुत शुक्रिया, ये अम्मा जी का।